ड्राई वेस्ट को रीयूज्ड कर अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का यहाँ पर आज इंदौर में मेला सजा था। आज जिस प्रकार से इंदौर ने स्वच्छता में नंबर वन को लेकर यहाँ पर कड़ी चुनौती का सामना किया और उसी के साथ अब इंदौर ड्राई वेस्ट को फिर से रीयूज करने के लिए लगातार कटिबद्ध था और उसी को लेकर आज इंदौर के गांधी हाल के प्रांगण में तकरीबन 32 स्टॉल यहां पर लगाए गए, जिसमें 16 स्टॉल सिर्फ महिलाओं के थे। क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर में अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां बनाने का एक कंटेंट शुरू हुआ था और उसी के साथ इंदौर में जिस प्रकार से वेस्ट निकल रहा था, उस वेस्ट को यूज़ करने के लिए यह मेला सजाया गया और यहां पर जिस प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई थी वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। क्योंकि जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी वो वेस्ट से बनी थी, जिसको अमूमन घर में से हर व्यक्ति यहाँ पर फेंकने पर मजबूर होता है और उसी को यूज़ करके फिर से कलाकृतियाँ बनाकर उसको स्टॉल लगाकर बेचा गया। क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कचरे से भी पैसा कमाने का हुनर सिर्फ इंदौर में ही यहाँ लोगों में है और उसी के साथ इंदौर की जो महिलाएँ हैं वह भी इसमें नंबर वन की और बढ़ती नज़र आ रही है। इंदौर के जिला कलेक्टर ने भी साफ कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई है और जो कपड़े के पोछे बनाए गए हैं वो सिर्फ इंदौर जिले के कलेक्टर कार्यालय में ही ले लिए जाएंगे और उनका यहाँ पर यूज़ भी किया जाएगा। और जो प्लेटें यहाँ बनाई गई थी, जिस प्लेट को मिट्टी और पेपर से मिलाकर उस प्लेट को बनाया गया था, उसको और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए कहा गया है और उसमें कहा गया है कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बनती है तो इसको मार्केट में भी बेचा जाएगा। हालांकि इंदौर ज़िले ने यहां पर कई प्रकार के स्वच्छता को लेकर आयाम स्थापित किए हैं और उसी के साथ इंदौर अब लगातार ड्राई वेस्ट की ओर बढ़ता जा रहा है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।